आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया एक जन्नत में। मैं हूं शालिनी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपेयर बुफे एब्सोल्यूट बारबेक्यू और बारबेक्यू नेशन का पर घर बैठे बैठे। तो मंगवा लिए हैं हमने अपने लिए दोनों के बुफे बॉक्सेस। कंपेयर करेंगे दोनों बॉक्सेस को, देखेंगे क्वांटिटी, क्वालिटी, टेस्ट कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि होता है, और प्राइसिंग कैसी है, इन दोनों की शेयर करेंगे आगे वीडियो में। और लेके आ रहे हैं हम आपके लिए गिव अवे जिसकी डिटेल्स भी शेयर करते हैं आगे वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो दोनों की जो है पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग उठाने में जो है ये मुझे एबीस का जीनी बॉक्स ज्यादा हैवी लग रहा है, तो लगता है इसमें माल थोड़ा ज्यादा है। सो लेट्स ओपन एंड चेक इट आउट। तो बारबेक्यू नेशन का जो बारबेक्यू इन अ बॉक्स है हमने ऑर्डर किया था बारबेक्यू की ऐप से, और इसकी कॉस्ट थी 969 रुपीज़, जिसमें हमें कुछ डिस्काउंट भी मिला, तो इंक्लूडिंग टैक्स एंड आफ्टर डिस्काउंट हमने फाइनली पे किया है 897 रुपीज़। और एबीस का जो जीनी बॉक्स है हमने ऑर्डर किया था जोमेटो से, बिकॉज एबीस की डिलीवरी यहाँ पे नहीं थी, तो इसका जो कॉस्ट था 965 रुपीज़, जिसपे भी हमें कुछ डिस्काउंट मिला, तो इंक्लूडिंग टैक्स एंड आफ्टर डिस्काउंट हमने पे किया है 890 रुपीज़। तो शुरुआत करते हैं बारबेक्यू नेशन के बारबेक्यू ना बॉक्स की ओपनिंग से। तो बॉक्स खुलते ही सबसे पहले हैं ये कुछ डेजर्ट्स हैं और चटनी है, और ये है छोटे छोटे से गुलाब जामुन, और ये है चॉकलेट ब्राउनी केक। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, और देखते साथ ही जो है ना मुँह में पानी आ रहा है, और टेम्परेचर भी अच्छा है, एकदम गर्म है, एकदम फ्रेश लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं मूँग दाल का हलवा, और इसके ऊपर क्या घी जो है तैर रहा है एकदम। तो ये है डिज़र्ट्स, और इतनी फ्रेश लग रही हैं एकदम। और बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही वीडियो बनाने का ये था कि पहले तो हम कई बार जा चुके हैं इन आउटलेट्स पे और इन्जॉय कर चुके हैं, दोनों का ही खाना जो होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम देखना चाहते थे कि अगर हम घर में डिलीवरी मंगवाते हैं तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर हैं दो चटनी, इसमें काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, तो एक एक करके सारे बॉक्सेस निकालते हैं और फिर खोलेंगे इन्हें। बड़े क्यूट से बॉक्सेस हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि सब्जियाँ गर्म भी लग रही हैं। अब निकाल लिए हैं सारे बॉक्सेस बारबेक्यू नेशन के मील बॉक्स के, और अब इसको रखते हैं साइड पे और खोलते हैं एबीस का जीनी बॉक्स। इसकी भी काफी अच्छी जो है पैकिंग हो रखी है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। दिखने में तो ये ऐसे लग रहा है कि ये काफी ओवरलोडेड है। अब देखते हैं इसमें कितने बॉक्सेस हैं, एंड इसके बाद जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी टेस्ट कैसा है। हमने दोनों जगह से वेज बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं, और एबीस के जो जीनी बॉक्स है इसमें वो क्लेम करते हैं कि ये 4 एडल्ट और 2 बच्चों के लिए सफिशिएंट है, तो देखते हैं कि इफ इट इज एक्चुअली सो। और ये है 2 कैंस पेप्सी कैंस। तो ये वाला सारा सेक्शन जो है बारबेक्यू नेशन इन अ बॉक्स का है, और ये वाला सारा सेक्शन जो है एवीज के जीनी बॉक्स का है। तो अब काउंट करते हैं दोनों में कितने बॉक्सेस हैं। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 3 डेजर्ट्स, तो 12 बॉक्सेस प्लस 3 डेजर्ट्स एंड ये सम चपातीज एंड चटनीज। और ये है एबीस का सेक्शन, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 बॉक्सेस, 2 डेजर्ट्स और 1 रायता और कुछ चपातीज अगेन एंड चटनी। बोर्डलेस तो अभी तक एक जैसा है, लेकिन जो सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो है ये 2 पेप्सी कैंस। तो ये है बारबेक्यू नेशन के स्टार्टर्स, और यहाँ पे 6 बॉक्सेस सर्व किए गए हैं। ये है पहला बॉक्स जिसमें है पनीर टिक्का, और इसमें है 6 पीस। ये है चीज स्टफ समोसा, ये है कुछ हरे भरे कबाब, और ये है कुछ ग्रिल पाइनएप्पल, और ये है 2 पीसेस ऑफ कॉर्न, और ये है कुछ आलू कटलेट्स। तो अब देखते हैं यहाँ के मेन कोर्स में क्या सर्व किया गया है। तो ये है पहला बॉक्स वेज बिरयानी, और हालांकि थोड़ा टाइम हो भी गया बट स्टिल दिस बॉक्स इज स्टिल वार्म। और ये दिया गया है साथ में कुछ सालन, और इस बॉक्स में है दाल मखनी। काफ़ी गाढ़ी लग रही है, अभी टेस्ट करेंगे सबको एक एक करके, पर पहले जल्दी से दिखा देते हैं क्या क्या है इन बॉक्सेस में। ये है शाही पनीर, काफ़ी सारे चंक्स पनीर के भी मुझे दिख रहे हैं इसमें, और ये है मिक्स वेज, और यहाँ पे है कुछ सैलेड जिसमें है कुछ अनियन है, कैरेट्स हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। अभी हमने देखा कि बारबेक्यू नेशन में क्या सर्व किया गया था, और अब चेकआउट करते हैं एबीस में क्या क्या है। ये हैं कुछ स्टार्टर्स, 3 बॉक्सेस हैं स्टार्टर्स के। ये है पनीर टिक्का, यहाँ पे दिए गए हैं कुछ अगेन हरे भरे कबाब, इस बॉक्स में हैं काफ़ी सारे कॉर्न। अब देखते हैं मेन कोर्स में क्या क्या है।
इस बॉक्स में है शाही पनीर, और इन तीन बॉक्सेस में दी गई है बिरयानी, और यहाँ पे है दाल मखनी, ये भी काफ़ी थिक लग रही है, और साथ में दिया गया है रायता। तो शुरुआत करते हैं टेस्टिंग की बारबेक्यू नेशंस के स्टार्टर्स के साथ, और ये है पनीर टिक्का, ट्राई करते हैं हरी चटनी के साथ, काफ़ी अच्छा है। पनीर हालांकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, पर इसके ऊपर जो खट्टा फ्लेवर आ रहा है और मसाला का कॉम्बिनेशन वो अच्छा लग रहा है। और ये है ग्रिल पाइनएप्पल, काफ़ी अच्छा है, जूसी है, और ये पूरे जो स्टार्टर्स की प्लेट है आई थिंक 2 से 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो अब ट्राई करते हैं स्टफ़ चीज़ी समोसा। ओह लुक एट दिस, क्या चीज़ बाहर आ रही है एकदम से। समोसा काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर चीज़ डली हुई है, कुछ शिमला मिर्च के क्यूब्स भी हैं, बहुत टेस्टी है। और ये हैं हरे भरे कबाब, ठीक है, नॉट सो ग्रेट, थोड़े से तीखे साइड पे हैं। और अब ट्राई करते हैं कॉर्न, इसके ऊपर गार्निश किया गया है, धनिया है, ट्राई करते हैं इसको। कॉर्न इतनी मज़ेदार नहीं है। आलू कटलेट्स, इसके अंदर भी कुछ पीस दिख रही हैं और इसके कैरेट्स हैं। इसके अंदर जो गाजर और मटर है उसके साथ काफ़ी अच्छा क्रंची फ्लेवर आ रहा है। तो ये मैंने अपने लिए प्लेट बना ली है, टेस्ट करते हैं। और इसके साथ जो है 2 लच्छा पराठा सर्व किए गए थे। अब शुरू करते हैं बिरयानी से। बिरयानी के साथ सादन सर्व किया गया है, पर मैं अभी पहले प्लेन ही बिरयानी ट्राई कर रही हूँ। बिरयानी बहुत टेस्टी है, इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और फ्लेवर्स भी जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब ट्राई करते हैं लच्छा पराठा को शाही पनीर के साथ। पनीर काफ़ी टेस्टी है, इसकी ग्रेवी भी काफ़ी थिक है और मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी स्वीट, काफ़ी मीठा फ्लेवर आ रहा है ग्रेवी में। और अब ट्राई करते हैं मिक्स वेज, इसमें डला हुआ है प्याज है, छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स हैं, कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है, गाजर है, टेस्ट ठीक है, नॉट सो ग्रेट पर अच्छा है, मीठा है, तीखा बिल्कुल भी नहीं है। और ये है दाल मखनी, काफ़ी थिक लग रही है, दाल मखनी काफ़ी टेस्टी है। तो अगर मैं इन तीनों में से बोलूं तो मेरे को सबसे अच्छी जो है दाल मखनी लगी है। तो ये भी इस बॉक्स के सारे स्टार्टर्स मैंने इस प्लेट में डाल दिए हैं। क्वांटिटी तो काफ़ी सारी है इसमें, पर वैरायटी जो है बारबेक्यू नेशन के बॉक्स में ज़्यादा थी। तो ये हैं कुछ कबाब, इसका टेस्ट तो बिल्कुल वैसे आ रहा है जैसे वर्त में हम कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाते हैं ना। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली स्टफिंग किस चीज़ की है, पर टेस्ट तो बिल्कुल उन्हीं पकौड़े के जैसा है। ट्राई करते हैं पनीर टिक्का, चटनी लगा रही हूँ साथ में, हरी चटनी। पनीर बहुत ही सॉफ्ट है, पनीर बहुत ही टेस्टी है, और इसके ऊपर जो मसाले लगे हुए हैं बहुत ही इसका टेस्ट बढ़िया आ रहा है। और ये जो एबीज का पनीर टिक्का है उसका टेस्ट जो है बारबेक्यू नेशन के पनीर टिक्का से ज़्यादा अच्छा है। और ये है क्रिस्पी कॉर्न, एक्चुअली बेचारे अब ये क्रिस्पी तो ज़रा भी नहीं लग रहे, काफ़ी सॉगी हो चुके हैं। एक्चुअली घर आते आते काफ़ी सॉगी हो चुके हैं, टेस्ट अच्छा है पर वो क्रिस्पीनेस जो है मिसिंग है। तो अब ट्राई करते हैं एबीज की बिरयानी। बिरयानी में जो है काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डली हुई हैं, बीन्स हैं, कैरेट्स हैं, और ये गोभी है, बिरयानी अच्छी है। आई वुड से कि बारबेक्यू नेशन की बिरयानी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, उसमें ज़्यादा अच्छा अरोमा और खुशबू आ रही थी। अब ट्राई करते हैं दाल, दाल ठीक है, नॉट सो ग्रेट, कुछ कुछ कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है। अब ट्राई करते हैं शाही पनीर, पनीर टिक्का मुझे डेफिनेटली ए बी इसका ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन जो अगर कड़ी की बात की जाए तो अगेन बारबेक्यू नेशन की जो शाही पनीर की ग्रेवी थी वो ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे ए बी इसमें जो है काफ़ी सारी क्वांटिटी है, लच्छा पराठा है, प्लेन नान है। तो अभी तक जितने भी हमने स्टार्टर्स और मेन कोर्स ट्राई किए हैं ए बी इसमें हालांकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल आई वुड से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और जो टेस्ट है वो बारबेक्यू नेशन का मेरे को अभी तक ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अब सिर्फ लास्ट में डेजर्ट्स रह गए हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं और देखते हैं उसमें कौन बाजी मारता है।
और जैसे कि पहले आपको इनिशियली वीडियो में बताया था कि एक गिव अवे लेके आ रहे हैं, तो बस बने रहिए थोड़ी देर और वीडियो के एंड तक, हम शेयर करते हैं उसकी भी सारी डिटेल्स। तो अब शुरुआत करते हैं डेजर्ट्स की, और इस प्लेट में जो है मैंने सारे डेजर्ट्स बारबेक्यू नेशन के रख लिए हैं। इसमें है मूंग दाल हलवा, चॉकलेट ब्राउनी केक और कुछ गुलाब जामुन। मूंग दाल हलवा वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से भुना हुआ है और बहुत ही टेस्टी है। और अब ट्राई करते हैं चॉकलेट ब्राउनी केक। ब्राउनी केक काफ़ी अच्छा है। और अब ये बड़े क्यूट से जो हैं गुलाब जामुन, बहुत ही रसीले, बहुत ही जूसी, बड़े मज़ेदार। सो इन ऑल जो है मेरे को बारबेक्यू को अभी तक काफ़ी अच्छा लगा है, और डेजर्ट्स तो हैं वर ऑसम। और ये है एबीज के डेजर्ट्स, जिसमें हमें मिला है चॉकलेट ब्राउनी केक और दो बॉक्सेस हैं जिसमें गुलाब जामुन हैं। गुलाब जामुन अच्छे हैं। और ये है ब्राउनी केक, बहुत ड्राई है। तो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझे जो है बारबेक्यू नेशन का ज़्यादा अच्छा लगा। तो जिस गिव अवे की बात हम इनिशियली वीडियो में कर रहे थे, वो गिव अवे यही है कि हमने सोचा था कि जो हमें मील बॉक्स ज़्यादा अच्छा लगेगा वही होगा विनर का प्राइस। तो बारबेक्यू नेशन का एक मील बॉक्स दिया जाएगा हमारी तरफ से। इनकेस विनर के एरिया में बारबेक्यू नेशन नहीं है या फिर डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो विनर की पसंद का मील जो है हमारी तरफ से होगा सिमिलर अमाउंट का, और विनर का नाम हम अनाउंस करेंगे 3 जुलाई को लकी ड्रॉ के थ्रू। और पार्टिसिपेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है अपनी एक फेवरेट डिश का नाम और इस वीडियो को करना है लाइक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज का ये वीडियो, और बने रहिए हमारे साथ इंडिया एक जनत के साथ, एंड हैव फन।